अभी भारतीय रेल का और ये हमारी सरोवर है। ग्वालियर से आती है छोटी ट्रेन है। ये देखिए पब्लिक किस तरह से इसमें बैठी हुई है। देखिए आप पब्लिक का हुजूम। एसीएल टटवाल और मानसिंह जा रहे हैं ट्रेन के चक्कर में। और देखिए पीछे ये है गार्ड साहब, ये है ट्रेन के गार्ड साहब। और ये देखिए और ओए मैं खड़े हूँ। और ये देखिए मानसून चढ़ गया ट्रेन में। और ये सीएल टटवाल चढ़ रहा हुआ और ये दोनों ट्रेन में चढ़ चुके हैं। और ये देखिए पब्लिक इस तरह ऊपर बैठी हुई है। ले हाँ जरा महीने तो रिकॉर्डिंग चल रही है कहता जा अरे एक उतर रहा है यार कमेंट कर रहे ये लो ये देखिए कितना मजबूत डिब्बा है तेरे गाड़ी चलाएगा। ये साथियों ये जो आपको पटरी नजर आ रही है देखिए ये पूरी दुनिया की पूरे वर्ल्ड की सबसे छोटी पटरी है। देखिए ये देखो आजकल इसको परिवर्तित किया जा रहा है अब और हो सकता है वो जल्दी इस पर दूसरी लाइन डाल दी जाए। देखिए आप गौर से इस पर एक बहुत ही छोटी गाड़ी चलती है। ये पटरी जोड़ती है शोपुर से ग्वालियर को। कहा जाता है कि किसी ज़माने में अंग्रेज सरकार ने केवल इसलिए इसे चालू किया था ग्वालियर घराने को केवल खुश करने के लिए कि ग्वालियर घराने के जो घोड़े थे और राजा महाराजा के लिए तो लकड़ी जाती थी और घोड़ों के लिए घास जाती थी तो लकड़ी और घास को ले जाने के लिए बस केवल ये ट्रेन चालू की थी। जो कि ये पूरी धोड़ाई डांगे देखिए आसपास पूरा जंगल है तो इस क्षेत्र से थोड़े ढंग से घोड़ों के लिए चारा और राजा के लिए उसके दरबारियों के लिए उपयोग के लिए लकड़ियां यहाँ से जाती थी उस ट्रेन में और इसलिए ये लाइन बिछाई गई थी उस समय। उसके बाद इसको आवागमन के रूप में चालू किया गया। यहाँ के लोगों का आवागमन का साधन बन गया है श्योपुर से लेकर ग्वालियर तक। और उससे बीच में बहुत से स्टेशन पड़ते वीरपुर है श्यामपुर है श्योपुर है टर्रा है और कैलारस है जोरा है इन सबको कनेक्ट करती थी। इसके बारे में आगे हम जानना चाहेंगे। सब चीज़ तो कहीं बता दी मैं कहीं बताऊंगा। ये देखिए फिर भी बताएंगे आपको आकाश भाई यहाँ बताइए भाई साहब। भाई साहब ये इसका अब काम चल रहा है इसको ब्रांड गेज में कन्वर्ट किया जा रहा है। अच्छा तो फिर दोबारा से इसको ट्रेन दौड़ने लगेगी तो हो सकता है उसके लिए अभी 4 से 5 साल का समय लगे। अच्छा क्योंकि सवलगढ़ से काम चालू हो चुका है इधर का अभी तो इधर को पटरी नहीं पड़ी इधर तो अभी बेस बनाने लगे। अच्छा ये वो उधर की पटरी हट चुकी है पटरी हट के बेस बनने लग गया है। अच्छा अच्छा और ये कौन सा स्टेशन है भाई साहब इधर? ये स्टेशन है सिल्लीपुर श्यामपुर का पुराना नाम है सिल्लीपुर। अच्छा अच्छा ये बहुत बड़ी देखिए आप नाम कन्वर्ट करके श्यामपुर कर दिया गया है। ये देखिए एक ये छोटा सा पिल्लर भी खड़ा हुआ है इधर पटरी भी देखो और ये देखिए कुछ ही दिनों में ये विरासत बन जाएगी ये लाइन गायब हो जाएगी बिल्कुल गायब हो चुकी होगी। पूरी दुनिया में इकलौती लाइन बची है ये पूरी दुनिया पूरे वर्ल्ड के अंदर देखो आप साथियों ये देखिए जुड़े रहिए हम आगे आपको इसमें ट्रेन भी दिखाएंगे हम कौन सी ट्रेन चलती थी इस पर और भी जानकारी दी जाएगी तो बने रहिए हमारे साथ आप। देखिए साथियों ये छोटी लाइन नैरो गेज
और नेहरू गेज पर छोटी गाड़ी चलती थी। और ये देखिए घोड़ा इधर से आ रहा है, और पहले इस लाइन पर एक छोटी सी गाड़ी चला करती थी जिसको कि ब्रिटिश सरकार ने ग्वालियर घराने के लिए, ग्वालियर राज घराने के लिए घास फूस और लकड़ियाँ ले जाने के लिए चलाया था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद इस लाइन का प्रयोग लोगों के आवागमन के रूप में किया जाने लगा, और आजकल इस लाइन को बदल कर और बड़ी लाइन डालने का काम चालू हो गया है। ये देख सकते हो आप, यह है नैरो गेज लाइन जो कि दुनिया की सबसे छोटी लाइन है। इस पर किस तरह की ट्रेन चलती थी ये भी हम आपको दिखाएंगे। ये हमारे साथी वेद प्रकाश जी, और ये लाइन अंग्रेजों ने डाली थी साथियों, और ये दुनिया की सबसे छोटी लाइन, देखिए कितनी छोटी लाइन है, ये दुनिया की सबसे छोटी लाइन नैरो गेज। पहले यहाँ पर फाटक वो करता था, लेकिन आजकल गाड़ी बंद है तो फाटक हटा दिया गया है, और अब इसको हटाकर और बड़ी लाइन का काम चालू कर दिया गया है जो कि ग्वालियर से और श्योपुर के मध्य डाली जाएगी। इस पर जो ट्रेन चलती थी उसको भी दिखाएंगे हम आपको, बने रहना आप हमारे साथ। आप हम दिखाएंगे आपको कैलारस और ग्वालियर के मध्य छोटी लाइन, छोटी ट्रेन है वो किस तरह चलती थी। देखिए साथियों, यह है नैरो गेज लाइन जो कि श्योपुर से ग्वालियर के मध्य जो छोटी लाइन पर गाड़ी चलती थी, छोटी वाली, उसके लिए बिछाई गई है। देखिए आप, हाँ तो वेद प्रकाश जी, ये छोटी लाइन है, इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? ये जो छोटी लाइन है इसे कभी ब्रिटिश सरकार ने जो ग्वालियर घराना है उससे खुश करने के लिए इस लाइन को डाला था, समझिए आप थोड़ा सा। तो ये लाइन ग्वालियर घराने को खुश करने के लिए डाली गई थी, और ग्वालियर घराने के घोड़े और रात घराना था उसके लिए, घोड़ों के लिए घास और रात घराने के लिए इससे लकड़ियाँ ली जाई जाती थी। किससे? यहाँ पर कूनों का जंगल है, घोड़ा ही डांग है उससे। तो ये जो लाइन है इसका बहुत महत्व था उस समय, और केवल राजघराने को, ग्वालियर घराने को खुश करने के लिए इस लाइन को डाला था, और उसके बाद इस लाइन का प्रयोग आवागमन के रूप में हुआ। इससे पहले इस छोटी लाइन पर पहले छोटी सी रेलगाड़ी चलती थी, उसको आजकल बंद कर दिया है और उसको हेरिटेज ट्रेन बना के और कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित कर दिया गया है। अब इसका दोहरीकरण का काम चल रहा है, दोहरीकरण क्या, लाइन को ही बदल दिया पूरी को, और इसकी जगह बड़ी लाइन डाल दी है, और थोड़े दिनों बाद ये लाइन भी विलुप्त हो जाएगी। अब ये हम दिखा रहे हैं आपको, देखिए तो ये है छोटी लाइन, और इस पर हम आपको ट्रेन भी दिखाएंगे कि इस पर कौन सी ट्रेन चलती थी, वो भी आजकल जहाँ पर चल रही है वहाँ हम आपको दिखाएंगे। देखिए साथियों, ये है नैरो गेज, देख सकते हो कितनी छोटी सी लाइन है, छोटे छोटे इस पर स्लीपर लगे हुए हैं, और देख सकते हो आप इस लाइन को।